हेलो साथियों एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्ते। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में हम लोग न जाने कितने ज्यादा वीडियोज या फिर कितने सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, कितने लोगों को उसके बारे में पूछ लेते हैं, बट हमें उसका एग्जैक्ट आंसर कभी मिल ही नहीं पाता। सो ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आज देने वाली हूँ, काफी सारे जो साइकोलॉजिकल आर्टिकल्स हैं और काफी सारे जो साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं उनको मिलाकर उनको कंपोज किया गया है एक वीडियो की फॉर्म में, और इस वीडियो के अंत तक आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि गोल सेटिंग क्या होती है, गोल सेटिंग के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, गोल्स किस तरह से सेट करना है और गोल्स को आप अचीव कैसे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो गोल सेटिंग है उसको जानने से पहले हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप गोल सेटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज अ गोल। ठीक है, तो गोल को हम लोग अगर देखें तो गोल का हिंदी अनुवाद जो होता है वो होता है उद्देश्य। तो यानी गोल का मतलब क्या हो गया, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई भी एम्बिशन या एम किसी पर्सन का जो वो अचीव करना चाहता है एज ए रिजल्ट। सो गोल्स कोई भी टाइप के हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में किसी भी एरिया को कवर कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए गोल ये हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपको कितना स्कोर करना है। अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी पर काम कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट गोल हो सकता है कि आपको इतने केजी लॉस करने हैं, जैसे कोई भी 5 केजी, 10 केजी या फिर इतने ही केजी आपको गेन करना है। सो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। सो अब हम लोगों ने जब गोल की डेफिनेशन देख ली है तो हम लोगों को कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं कभी भी आप जब गोल सेट करते हैं उसके लिए। सो जो पहला पॉइंट है वो है, कोई भी गोल सेट करने से पहले आपको एक चीज जरूर पता होना चाहिए, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेट अ गोल। आपको कोई भी गोल सेट करना है तो वो क्यों करना है। ये जो आपका व्हाई होता है, ये जितना स्ट्रांग होगा आपका गोल भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और ज्यादा अचीव करने की उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। सो अब हम लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। अब मेरे केस में मैं अपना क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकती हूँ, आपके केस में आप ही को ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है कि अगर आपको सपोज कीजिए 10 किलो कम करना है अपना, ठीक है, वजन कम करना है आपको, तो वो क्यों करना है, क्यों चाहते हैं आप कि आपका वजन कम हो। तो उसका रीजन ये हो सकता है कि आपको हेल्दियर लाइफस्टाइल अटेन करनी है। दूसरा वाई का रीजन हो सकता है कि जब भी आप गोल सेट करते हो तो वो आपको जो वाई है वो आपको क्लियरिटी देता है। मतलब जब आपको क्लियरिटी होगी कि आपको ये चीज करनी है तो क्यों करनी है, तो किसी को भी आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा उस चीज को अचीव करने के लिए। उस चीज के लिए जो भी काम करने पड़ते हैं, जो भी स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, वो चीज करने के लिए आपको कोई भी फोर्स नहीं करेगा। सो वो जो भी आपका होगा इंटरनल मोटिवेशन की तरह काम करेगा, एक इंटरनल इंसान को जो सेटिस्फिकेशन होता है आपको वो मिलेगा उससे। सो ये आपका वाई है जो आपको उसको बहुत अच्छे से ढूंढ लेना है, फिगर आउट कर लेना है कि आपको ये चीज करनी है तो क्यों करनी है। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ टू सेट अ गोल। अब गोल को सेट कैसे करना है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें गोल के अंदर चाहिए या क्या क्या चीजें हैं जिनको हम लोगों को मद्देनजर रखना है जब भी आप अपना गोल सेट कर रहे हैं। गोल बनाते टाइम आपको 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है और पांचों पॉइंट्स को हम एक एक करके देखते हैं। सो जो पहला पॉइंट आता है वो है, गोल्स शुड बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक यानी वास्तविक होने चाहिए। सपोज कीजिए एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, फॉर इंस्टेंस हम लोग उसका एग्जांपल लेते हैं, कोई स्टूडेंट है उसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, पूरे साल मतलब किताबों को हाथ में नहीं लगाया, ठीक है। वो एक रात पहले एग्जाम के पढ़ाई करने बैठता है वो, और वो ये सोचता है कि मैं एक रात में पूरा जो कोर्स है मेरा मैं उसको कवर अप कर लूंगा। सो ये जो गोल हुआ ये बहुत ही अनरियलिस्टिक हुआ। क्यों? क्योंकि जो बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं उनके लिए भी पॉसिबल नहीं कि एग्जाम के एक रात पहले हर चीज, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक जो भी मतलब हम लोग बोलते छोटा छोटा अक्षर है, छोटी छोटी बात है, इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेना, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती। तो ये हो गए अनरियलिस्टिक गोल्स। रियलिस्टिक गोल्स क्या हो गए, सपोज कीजिए किसी एक बच्चे के एग्जामिनेशन में अभी एक महीने का टाइम है, ठीक है, तो वो एक महीने का एक स्केड्यूल बनाता है, उसको धीरे धीरे फॉलो करता है, वो टाइम को डिवाइड करता है, वो चैप्टर्स देखता है कि उसको कौन से पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, तो इस टाइप का जो गोल है, और फिर वो लास्ट में एक्सपेक्ट क्या करता है कि मेरे को एक डिसेंट परसेंटेज आ जाए, मैं एक अच्छे परसेंटेज से, अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं, तो वैसा गोल्स क्या हो गया, रियलिस्टिक गोल्स हो गया। अब लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती, लोग ये सोचते हैं कि गोल सेटिंग है, चलो अब एक रात धुआंधार पढ़ाई की, एक रात जो भी हम लोगों को काम करना है वो एक रात में हम लोग कर लेंगे, तो जो वैसे गोल्स होते हैं वो बहुत ही अनबिलीवेबल लगते हैं और अनरियलिस्टिक भी होते हैं। सो गोल्स बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है, गोल्स के कई प्रकार आएंगे, डेली गोल्स भी आएंगे आगे हम लोग देखेंगे,
वीकली भी आएंगे, ईयरली भी आएंगे, तो उस हिसाब से हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है, तो गोल्स के मेन दो टाइप कौन से होते हैं? तो गोल्स के मेन दो टाइप होते हैं, वाइडर पर्सपेक्टिव वाले और जो नैरो पर्सपेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चीज करते हैं हम लोग, अगर सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक डॉट ड्रॉ किया। अब हम लोग जब स्पेस की बात करें, स्पेस से जो हमारा अर्थ है वो बहुत दूर से अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है उसको एक डॉट के बराबर लगेगा, ठीक है, बहुत छोटा, मतलब मान लीजिए मिलियंस ऑफ जो गैलेक्सीज वगैरह वहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत छोटा सा लगेगा उसको हमारा अर्थ, ठीक है। जैसे कि हमको यहाँ पर लगते हैं वीनस वगैरह, वो कभी कभी दिखते हैं तो हम लोग को बहुत छोटे छोटे से लगते हैं, हमें लगता है कि चलो वो इतने ही छोटे होंगे, ठीक है। तो वो तो क्या हो गया, वाइडर पर्सपेक्टिव हो गया उसको देखने का। और जब हम लोग उस चीज के पास में जाते हैं, सपोज कीजिए आप मून के पास में जाते हैं, जब आप मून के पास में जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है, तो वो क्या हो गया, उसका एक नैरोवर पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है। मतलब कोई चीज आप क्लोजली देख रहे हो, मतलब वो चीज अप्रोचिंग है, तो आप उसको कैसे मान लेंगे, नैरोवर पर्सपेक्टिव के हिसाब से मान लेंगे। कोई चीज अभी बहुत दूर है, उसको होने में टाइम है, तो आप उसको एक वाइडर पिक्चर की तरफ हम लोग कंसिडर करेंगे। सो वाइडर पिक्चर का मतलब वो ही है कि जैसे सपोज कीजिए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कीजिए आपको एग्जाम में स्कोर करने हैं 90% से ज्यादा जो होते हैं मार्क्स, वो स्कोर करने हैं आपको। तो अभी 90% मार्क्स क्या हो गया, आपका एक वाइडर गोल हो गया कि भाई मुझे इतना स्कोर करना है। बट उसके अंदर आपको एक छोटे छोटे से गोल्स और चाहिएंगे काफी सारे, जो कि हो गए नैरो पर्सपेक्टिव। जैसे 90% अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, कोई भी जो सिलेबस है उस एग्जाम का वो। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा, और लर्न करने के लिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट करने के लिए आपको एक पेज से शुरुआत करनी पड़ेगी, और उस पेज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक सेंटेंस से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी तरह की जो चीजें होती है वो नैरो पर्सपेक्टिव में आ जाती है। सो हम लोगों को जब भी हम लोग बात करें तो नैरो टू वाइड जाना है, जब भी आप गोल को अपने फॉलो करें तो छोटे से स्टार्ट करके फिर बड़े की तरफ जाना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एक बड़ी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो वो चीज होना बहुत इम्पॉसिबल हो सकता है। तो इससे हमें एक सीख मिली कि जो भी आपके गोल्स होंगे आप उनको चंक्स में बांटेंगे, चंक्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, तो उस हिसाब से आपको उसको कवर करना है। आइए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। जो सेकेंड पॉइंट आता है वो है गोल्स शुड बी टाइम बाउंडेड, यानी गोल्स को अचीव करने के लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए, एक तय समय सीमा होनी चाहिए। सपोज कीजिए अब किसी को, सपोज कीजिए कितने कमाना है, सपोज 1 करोड़ किसी को कमाना है, सबकी बात नहीं करी, एक मीडियोकर आदमी की बात कर रही हूँ, उसको 1 करोड़ कमाना है, तो वो क्या करता है कि वो 5 साल का अपने आप को टारगेट देता है। वो बोलता है भाई 5 साल में मैं स्टेट, इस स्टेट में पहुंच जाऊंगा, इकोनॉमिक स्टेट में, कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, ठीक है। सो वो क्या हो गया, उसका एक टाइम बाउंड हो गया कि भाई 5 साल के अंदर मुझे ये चीज करनी है। सो जब भी आप लोग गोल सेट करें, मेक श्योर कि आपका एक कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट हो उसके लिए, वरना क्या होता है ना, मतलब हम लोग अंधे घोड़ों की तरह भागते रहेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, कोल्हू के बैल की तरह आप काम करते रहो, उससे कुछ नहीं होना, उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। एक टाइम होना जरूरी है। सो कोई भी चीज अचीव करनी है आप उसमें एक टाइम टैग लगा दो। सपोज मुझे आज अगर एक चैप्टर पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट का, तो अगर इजी है हार्ड है, मैंने मान लिया 1 घंटा मुझे उस चैप्टर में लगेगा पढ़ने के लिए, तो मैंने 1 घंटे की उसको एक टाइम लिमिट देती, तो उस टाइम लिमिट को जब तक मैं पूरा करूंगी 1 घंटे को, नॉट स्पेसिफिक 1 घंटा मतलब 1 घंटा ये हमारे जीने और मरने का सवाल है, वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। 5-10 मिनट इधर उधर प्लस माइनस चलता है। सो इनकेस आप जल्दी भी पूरा कर लो उसको, इनकेस अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो आपको उसको टाइम को एक्सीड भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। सो आई एम श्योर कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा मेरी इस बात से कि आपको किस हिसाब से टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। सो चलिए अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब ये जो पॉइंट है, गोल्स शुड बी अचीवेबल, तो ये रियलिस्टिक से रिलेटेड है। अचीवेबल का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई बच्चा है वो बेचारा, मतलब उसको 40% भी लाने में प्रॉब्लम हो रही है, आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो एक ही एग्जाम में एक ही दिन के अंदर वो 90% स्कोर कर ले, सो ये चीज होना इम्पॉसिबल है। हाँ अगर कोई बच्चा ऐसा है तो आप उससे पहले 70% एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो नेक्स्ट एग्जाम में 70% तक पहुंचे, फिर वो 90% और ऐसे ऐसे ग्रेजुअली वो अपने मार्क्स या फिर अपना जो टारगेट है वो अटेन करता रहे। सो इसी हिसाब से आपको ग्रेजुअली अपना लेवल बढ़ाना है। एक ही दिन में आप सोचोगे कि बस मेरे को तो पहाड़ चढ़ जाना है, माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो आराम आराम से धीरे धीरे कदम उठाने। अगर एक कहावत है, हमारे एक टीचर बोला करते थे
केमिस्ट्री के, तो वो बोलते थे कि अगर भाग नहीं सकते तो चलना सीखो, चल नहीं सकते तो रेंगना सीखो, बट क्या है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। सो अगर आपकी क्षमता नहीं है कि एक दिन में 5 चैप्टर कर सकते हो, एक चैप्टर से स्टार्ट करो, एक चैप्टर भी नहीं कर सकते 2 पन्ने तो पढ़ो, ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही टाइम वेस्ट कर दो और कुछ भी नहीं पढ़ो, ठीक है। तो ये चीज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आएगा कि मैं स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे जहां तक आइडिया है मोस्ट ऑफ दी जो ऑडियंस ये वीडियो देखने वाली है वो स्टूडेंट्स कैटेगरी में ही आएंगे। वैसे इसी तरह से इस इंस्टांस को लेकर या फिर इन सभी स्टेप्स को आप दूसरे इंस्टांस पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल वेरी कर सकते हैं, बट जो तरीका होता है, जो मूल भावना है ये सब कहने की, वो एक ही रहेगी। सो चलिए अब हम लोग जाते हैं हमारे 4th पॉइंट के ऊपर। गोल्स शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड। अब इससे क्या मतलब है, वेरी स्पेसिफिक का मतलब आप समझे, तो मतलब बहुत ज्यादा आपको डिटेल्ड एक प्लान बनाना है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि अगर सपोज कीजिए अगर कोई गोल 1 घंटे के लिए है, ठीक है, आपको 1 घंटे में कोई चीज पूरी पढ़नी है या 1 घंटे बाद आपका लेट्स से कोई एग्जाम है, तो आप सारा तो नहीं पढ़ सकते, तो हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ रखा होता है या हमारा जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, उनके बेस पे हम लोग क्या चीज डिसाइड करते हैं, उस जो भी गोल है उसको स्पेसिफिक बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। सो स्पेसिफाई करने का मतलब क्या हो गया, उस चीज को और ज्यादा डिटेल में हम लोगों को देखना है। कोई गोल बना लिया बस, बट उसको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें आप करेंगे तब वो गोल अचीव होगा, उन चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे अब स्टूडेंट का एग्जाम्पल चल रहा है तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट को पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक है, आज उसका 1 घंटे का जो भी टारगेट है उसको पढ़ना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले तो वो अपने बेड से उठे। अब जैसे कोई बच्चे होते हैं नींद के अंदर जाके बैठ गए तो भाई साहब पढ़ाई तो नहीं होगी उस कंडीशन में आपकी, ठीक है। सो आप अपने आप को स्टेबल बनाओगे, आप एक माइंडसेट बनाओगे कि हाँ भाई साहब अब पढ़ना है और पढ़ना ही है अपने को सिर्फ, ठीक है। तो फिर आप जाके बैठोगे, फिर आप अपनी बुक्स ओपन करोगे या आपका जो भी मतलब नोट्स वगैरह है उनको खोल के बैठोगे, आप फिर उसको पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये आपको अपने माइंड के अंदर स्पेसिफाई करना है इन सब चीजों को। ये चीज अब ऐसा नहीं लिखने बैठ जाओ भाई साहब मैं अब उठूंगा, मैं अब पढ़ूंगा, मैं अब ऐसे पलंग से ऐसे नीचे उतरूंगा, ये सब चीजें मत करना, ठीक है। ये बहुत स्टूपिड साउंड करेगा अगर आप ऐसा करोगे तो। सो ये सब चीजें नहीं करनी है, इसको बहुत ही सिंपल रखते हुए आपको एक माइंड में अपनी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए, आउटलाइन तैयार होनी चाहिए कि भाई ये सब स्टेप्स जब फॉलो होंगे तो मेरा ये कंक्लूजन निकलेगा उससे, ठीक है। सो आइए अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एवर। सो ये पॉइंट क्या है जो आप जानने के लिए इतना मतलब उत्साहित है, सो ये पॉइंट है रिवॉर्डिंग, गोल्स शुड बी रिवॉर्डिंग। अब देखिए आपसे कोई काम करवाता रहे आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आप क्यों मतलब वो काम करना पसंद करेंगे, ऑब्वियसली यू विल प्रेफर नॉट टू डू दैट टास्क, तो आप यही प्रेफर करोगे ना कि भाई हमें क्यों करना है, हमें कुछ मिल तो नहीं रहा इससे हम क्यों करें। बट अगर वो ही मैं कह दूं कि जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चे के हिसाब से समझते हैं, जो छोटा बच्चा होता है ना वो क्या करेगा, अगर आपने उसको कोई चीज बोली कि भाई ये मेरा काम कर दे मैं तेरे को चॉकलेट दिलाऊंगा, ठीक है, तो वो बच्चा आपका काम कर देगा, क्यों, क्योंकि उसको पता है एंड में मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, आपने उसको बोला तो रिवॉर्ड के चक्कर में वो काम कर देगा। उसी तरह से आपको खुद को भी रिवॉर्ड देना है। एज ए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया वगैरह सब चलाते हैं, गलत नहीं बोली चलाना, चलाना भी चाहिए, बट उसका एक तरीका एक टाइम लिमिट होता है, ठीक है, हम लोगों को सबको पता है। सो आपको क्या करना है, आपको उस गोल को उस हिसाब से क्यूरेट करना है कि आपको उसको रिवॉर्ड की तरह आप उसको ले सके। अब जैसे एक बच्चा है वो साल भर पढ़ाई करता है, एंड में जब उसका रिजल्ट आता है वो फर्स्ट पोजीशन अटेन करता है, सेकंड करता है, थर्ड पोजीशन अटेन करता है, या फिर उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ही ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत ही सराहनीय अप्रिशिएबल जो इम्प्रूवमेंट होता है, तो उसको अच्छा लगता है बाद में, ठीक है, तो वो उसका रिवॉर्ड होता है, वो खुशी, वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस, वो सेंस ऑफ सेटिस्फिकेशन, वो आपका एक रिवॉर्ड है, ठीक है। बट अब ऐसे रिवॉर्ड हम रोज तो नहीं ला सकते, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे सपोज करो आपको कोई चीज खाना बहुत पसंद है, ठीक है, सो आप ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि आप पूरे वीक उतना काम करोगे वो और उतना पढ़ोगे, उसके बाद में आप अपनी मम्मी को बोल सकते हो भैया मेरे को ये स्पेसिफिक चीज पसंद है आप मेरे लिए बना दीजिए मैं खाऊंगा या खाऊंगी, ठीक है, तो वो एक तरह से आपका रिवॉर्ड हो सकता है। या क्या हो सकता है कि पढ़ाई करने के बाद में आप 1 घंटा अपने लिए निकाले और फिर आप बोले कि चलो मुझे अभी टीवी देखना है, अभी मुझे अपना फोन यूज करना है, सो वो एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह आप उसको ले सकते हो, ठीक है। सो ये रिवॉर्डिंग वाला जो सिस्टम है ट्रस्ट में बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके, बट मेक श्योर आपका रिवॉर्ड ना आपकी सजा नहीं बने, ठीक है, रिवॉर्ड ही रहने दो, उसको सजा मत बनाओ, क्योंकि क्या होता है ना आपके रिवॉर्ड आप उसको इतना लंबा खींच लेते हो कि भाई साहब हमने पढ़ तो लिया, फिर उसके बाद में
तो उस रिवॉर्ड को इसको मान लीजिए कि भाई पॉज है तेरा, अब तेरे को खत्म होना है, ठीक है, हमें दूसरे काम भी करने हैं। उस रिवॉर्ड की खुशी में ही जग जाहिर मत करो, उस रिवॉर्ड के चक्कर में ही मत पड़े रहो कि ये चीजें बहुत खराब करती है, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट चीज आती है, हाउ लॉन्ग शुड अ गोल बी, मतलब कोई भी जो हमारा गोल है वो कितना लंबा होना चाहिए, हम कैसे डिसाइड करेंगे वो कितना बड़ा हम लोगों को गोल लेना है। सो देखिए, गोल का सबसे बेटर तरीका यही होता है कि आप उसको चंक्स के अंदर ले, यानी टुकड़ों के अंदर, छोटे छोटे पीसेस के अंदर बांट ले। मतलब कैसे करना है आपको, जैसे आपने डेली गोल्स बना लिए, ठीक है, आपने बना लिए अपने वीकली गोल्स, मंथली गोल्स, के भाई बाय द टाइम हमारा ये काम हो जाएगा, बाय द टाइम हम लोग ये चीज अचीव कर लेंगे, ठीक है, ये चीज हो गई। जो सेकंड पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है गोल को देखने के लिए, परफॉर्मेंस गोल्स हो सकते हैं। मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस पे ट्रैक करें कि भाई पहले ये कंडीशन थी मेरी, अभी ये कंडीशन है मेरी, ठीक है, या पहले ये कंडीशन थी मेरी, अभी मेरी ये कंडीशन है, ठीक है। तो इस चीज का ट्रैक होना बहुत जरूरी है। तो इस टाइप के गोल्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, इससे आपको अपनी परफॉर्मेंस का भी एनालिसिस होता रहेगा, आप इवेल्युएट कर पाएंगे खुद को, ठीक है। सेकेंड चीज क्या हो सकती है कि आपके जो उनको आप प्रोसेस गोल्स मान सकते हैं। प्रोसेस गोल्स का मतलब क्या हो गया, कि आप उस गोल को अचीव करते टाइम एक हैबिट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कोई इंसान अगर वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, अपने एक हेल्दी वेट को गेन करने के लिए, जो भी उसका हेल्दी वेट है या जो भी डिजायरेबल वेट है उसका, उसको गेन करने के लिए वो वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, वो रोज या फिर वीक में 6 दिन जैसा भी वो करना चाहे, प्रेफरेंस उसकी है, तो वो रोज 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो जो 1 घंटे का वर्कआउट है वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, उसकी एक हैबिट बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका एक तरह का हैबिट गोल हो गया, प्रोसेस गोल हो गया। उस प्रोसेस के दौरान उसने क्या कर लिया, एक हैबिट का फॉर्मेशन कर लिया, जो कि हैबिट उसके काम भी आ सकती है। उसी तरह से एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है इसका, देखिए अगर कोई इंसान है उसकी आदत पड़ गई 2 घंटे फोन चलाने की, वो लगातार 2 घंटे फोन चलाए जा रहा है, हर रोज का काम है उसका, वो ये काम किए जा रहा है, तो एट दी एंड उसकी क्या हैबिट फॉर्म हो गई, हैबिट ये फॉर्म हो गई कि उसको रोज 2 घंटे फोन चलाए बिना उसको नींद नहीं आएगी, उसको चैन नहीं आएगा, उसकी रोटी डाइजेस्ट नहीं होने वाली, ठीक है। सो ये चीज हम लोगों ने समझी। एक थर्ड पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है कि आउटकम ऑफ गोल्स को देखते हुए आप उसको अटेन करें। मतलब आपको पता होगा कि इस गोल को पूरा करते करते मेरे पास में ये आउटकम होगा, तो ये जो आउटकम है ये आपको काफी मोटिवेटेड रखने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। बाकी इंटरनल मोटिवेशन जो होता है उसके लिए आपको क्या करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये जो गोल्स हैं ये हमें क्या हेल्प करते हैं, ये हमें सेल्फ एनालिसिस में बहुत हेल्प करते हैं। हमें पता चलता है कि आज से 5 साल पहले हम कहाँ थे और 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, ठीक है, या आप अभी कहाँ हो और 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, या फिर क्या हो सकता है अभी आप कहाँ हो और 5 साल पहले आप कहाँ थे, ठीक है। सो मेक श्योर कि जो भी आपके गोल्स होना वो आपको प्रोग्रेसिव माइंडसेट की तरह ही लेने हैं, आपको हमेशा प्रोग्रेस ही करनी है उस चीज के अंदर, आपको हमेशा उसको पॉजिटिवली ही लेना है। मानती हूँ हर्डल्स आएंगे, डिस्ट्रक्शंस होंगे, कुछ दिन अच्छे नहीं जाएंगे, कुछ दिन बहुत अच्छे जाएंगे, बट ओवरऑल ये प्रोसेस क्या है, एक बैलेंस का है, ठीक है। हार्ट की जो बीट होती है ना वो कैसे होती है, zigzag ऊपर नीचे होती है, कोई भी एकदम सीधी लाइन नहीं होती। सीधी लाइन का मतलब क्या है, आपकी डेथ हो गई, वो हमें नहीं करना है, ठीक है। आप ह्यूमन चेंजेस आर अबाउट टू हैपन और होकर ही रहेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चेंज इज दी ओनली कॉन्स्टेंट, सुना है हम लोगों ने, बट आप क्या कर सकते हो कि आप ये चीज का जरूर ध्यान रख सकते हो कि जो भी आपके चेंजेस हो वो पॉजिटिव का जो रेशियो है उसके अंदर, पॉजिटिव ग्रोथ का रेशियो वो ज्यादा होना चाहिए, नेगेटिव ग्रोथ का रेशियो बहुत कम होना चाहिए। इसी वजह से जो नेट बचेगा ना, आपका नेट जो सम बचेगा, वो आपको एक प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, मैंने बहुत दिल से बनाई है, काफी रिसर्च के बाद बनाई है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको कुछ नहीं करना, बस 2 छोटे-छोटे स्टेप फॉलो कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया उस चीज के बारे में। और एक चीज और कर दीजिए, का बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, उससे क्या होगा जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी होल वीडियो, एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।